हे गाइस, वेलकम बैक। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा शेयर खान एप्लीकेशन के बारे में। दोस्तों, शेयर खान एक ऐसा एप्लीकेशन है जहां पर आप डीमैट अकाउंट ओपन करके यहां पर ट्रेडिंग भी कर सकते हो, ट्रेड करके ढेर सारा पैसा अर्न कर सकते हो और साथ में रेफ़र करके भी आप बहुत सारा पैसा अर्निंग कर सकते हो। तो फिलहाल इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा शेयर खान एप्लीकेशन में कैसे साइनअप करना है एंड उसके बाद आप उसमें कैसे ट्रेड करोगे एंड उसके बाद आप रेफ़र करके कैसे पैसा कमाओगे एंड रेफर रिवॉर्ड को कैसे विड्रॉ करोगे, सारा चीज़ें इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ। दोस्तों, वीडियो होगा टू पार्ट में। फर्स्ट पार्ट में मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पर साइनअप कैसे करना है, साइनअप का पूरा प्रोसेस यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप दिखाने वाला हूँ। एंड सेकंड पार्ट में मैं आपको दिखाऊंगा ट्रेड कैसे करना है शेयर खान में, आप शेयर को, स्टॉक्स को बाय एंड सेल कैसे कर सकते हो। लेकिन हाँ, उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। एनीवे गाइस, यहाँ पर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा साइनअप के लिए। तो यहाँ पर जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह की इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले दिखाएगा लोकेशन अलाउ एंड डिनाई करने के लिए, तो लोकेशन को आपको अलाउ करके रखना है एंड उसके बाद ओपन फ्री डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट। यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना फुल नेम डालना जैसे आपका आधार कार्ड में है एंड उसके बाद आपका मोबाइल नंबर डालना एंड उसके बाद आपका ईमेल आईडी डालना और उसके बाद यहाँ पर आपका एंड उसके बाद सिलेक्ट सिटी। तो यहाँ पर आपको सर्च करना गुवाहाटी, सिलचर जो भी है यहाँ पर सर्च करोगे तो मिल जाएगा। सर्च करके सिलेक्ट करना अपना सिटी एंड देन यहाँ पर नीचे स्टार्ट बटन है तो उसमें आप क्लिक कर सकते हो जैसे कि आप फर्स्ट टाइम साइनअप कर रहे हो। और बीच में अगर आप साइनअप कर रहे हो, बीच में प्रॉब्लम हो गया तो एरर आ जाएगा, ऐसा होता है कभी कभी। तो फिर से आपको यहाँ पर जो लिंक है उसमें क्लिक करके उसके बाद नीचे रिज्यूम का ऑप्शन है तो रिज्यूम में जाके रिज्यूम एप्लीकेशन कर सकते हो। तो फिलहाल हम पहली बार कर रहे हैं तो स्टार्ट यहाँ पर करते हैं क्लिक। स्टार्ट पर क्लिक करने से पहले यहाँ पर कैप्चा आएगा तो कैप्चा को आपको वेरीफाई करना जैसे ही है ऐसे यहाँ पर डालना एंड उसके बाद स्टार्ट पर क्लिक करोगे तो फ़ोन नंबर पे ओटीपी आएगा तो ओटीपी यहाँ पर डालोगे एंड उसके बाद सबमिट करोगे तो नेक्स्ट पेज में आपके सामने आ जाएगा यहाँ पर पैन वेरीफाई करना और बैंक अकाउंट डिटेल्स यहाँ पर भरना। तो सबसे पहले पैन नंबर डालना एंड उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर डालना है, जो पैन कार्ड में डेट ऑफ बर्थ करेक्टली है वो यहाँ पर एज इट इज़ डालना है एंड उसके बाद बैंक अकाउंट नंबर डालना, आईएफएससी कोड डालना एंड री एंटर करना बैंक अकाउंट। उसके बाद नीचे आई एग्री पे टिक लगाओगे एंड उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू करोगे तो आपके बैंक अकाउंट में ₹1 दिया जाएगा ताकि आपका बैंक अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा। इसके लिए आप यहाँ पर पेटीएम पेमेंट्स बैंक भी दे सकते हो और ध्यान से पेटीएम पेमेंट्स बैंक जब दे रहे हो तो यहाँ पर कुछ लोग भी गलती कर देते हैं। पेटीएम पेमेंट्स बैंक का जो अकाउंट नंबर होता है उसमें फ़ोन नंबर के पहले 91 ऐड करना होता है तो 91 से शुरू होता है पेटीएम पेमेंट्स बैंक, ये बात ध्यान में रखना है। एंड जो आईएफएससी कोड है वो तो आपको गूगल में मिल जाएगा, फिर भी आप यहाँ पर देख सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट पेज में यहाँ पर अपलोड डॉक्यूमेंट्स, तो एड्रेस प्रूफ के लिए सबसे पहले आप आधार कार्ड से डिजी लॉकर से आप कनेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर स्टार्ट पे क्लिक करोगे, आधार कार्ड का जो 12 डिजिट नंबर है वो डालोगे, उसके बाद आधार कार्ड से फ़ोन नंबर पे ओटीपी आएगा तो ओटीपी आने के बाद यहाँ पर आप पुट करोगे एंड कंटिन्यू। देन यहाँ पर अलाउ का ऑप्शन आएगा तो अलाउ करोगे और उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पर सक्सेस वी हैव रिसीव्ड योर डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम डिजी लॉकर, तो आपका एड्रेस वेरीफाई हो जाएगा यहाँ से। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करना और पैन कार्ड का तो हो गया पैन वेरीफाई पैन नंबर से एंड उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करके यहाँ पर सिग्नेचर अपलोड करना, तो यहाँ पर अपलोड पर क्लिक करोगे, जो सिग्नेचर आपका पैन कार्ड में है एज इट इज़ सिग्नेचर आप व्हाइट पेपर में करोगे, उसके बाद कैप्चर करके ये वाला सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड करोगे एंड उसके बाद नीचे सेल्फी का ऑप्शन है तो सेल्फी में क्लिक करोगे, सेल्फी अपलोड करोगे और सबसे नीचे इनकम प्रूफ, तो इनकम प्रूफ आपको यहाँ पर ऑप्शन है डालने का कोई ज़रूरत नहीं, तो यहाँ पर सेल्फी अपलोड कर देते हैं टेक की सेल्फी। उसके बाद कैमरा, लोकेशन, माइक्रोफोन सब कुछ अलाउ करने के लिए दिखाएगा तो अलाउ पे क्लिक करना एंड उसके बाद ये जो सर्कल है सर्कल के अंदर आपका फेस रखना एंड उसके बाद जब यहाँ पर ग्रीन एंड रेड दिखाता है ग्रीन दिखाएगा तो कैप्चर में क्लिक करोगे तो कैप्चर हो जाएगा सेल्फी, अच्छे से ब्लरी नहीं दिखना चाहिए, क्लियरली आना चाहिए ताकि रिजेक्शन ना आए। और नीचे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है एंड देन आपके सामने नेक्स्ट पेज आ जाएगा, यहाँ पर आपको पर्सनल डिटेल्स, एक्सपीरियंस एंड ऑक्यूपेशन शेयर करना है। तो पर्सनल डिटेल्स में जेंडर सेलेक्ट करना, मैरिज स्टेटस सेलेक्ट करना एंड फादर्स नेम डालना, जो आपका पैन कार्ड में फादर्स नेम है वो यहाँ पर डालना एंड उसके बाद एक्सपीरियंस, ट्रेडिंग एक्सपीरियंस यहाँ पर लेस देन 1 ईयर, एनुअल इनकम लेस देन 1 लाख, वो सब आप अपने हिसाब से रख सकते हो। ऑक्यूपेशन जैसे कि अगर आप स्टूडेंट हो तो यहाँ पर स्टूडेंट सेलेक्ट कर सकते हो। और नीचे सबसे नीचे यहाँ पर प्लेस ऑफ बर्थ, तो यहाँ पर आपका विलेज नेम या आपका जो लोकल सिटी वो डाल सकते हो एंड उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। ऐड नमिनी का ऑप्शन आएगा, अगर आप नमिनी ऐड करना चाहते हो तो यस पे क्लिक करना, अगर आप नहीं करना चाहते हो तो नो पे क्लिक करना। तो फिलहाल मैं यहाँ पर नमिनी ऐड नहीं कर रहा हूँ तो नो पे क्लिक करके सेव एंड कंटिन्यू करता हूँ। एंड उसके बाद यहाँ पर आप ईमेल वेरीफाई करना, तो यहाँ पर रेड कलर में दिख रहा होगा काइंडली वेरीफाई, तो इसमें आप क्लिक करोगे तो ईमेल में एक ओटीपी आएगा, वो वाला ओटीपी यहाँ पर डालोगे एंड उसके बाद सबमिट करना। आपका ईमेल वेरीफाई हो
हो जाता है दिस इज लास्ट स्टेज का ऐसे यहाँ पर नीचे ई साइन पे क्लिक करना, आपका ई साइन सक्सेसफुली हो जाएगा तो अकाउंट ओपनिंग फॉर्म जो है वह सबमिट हो जाएगा एंड वन डे के अंदर आपका आईडी पासवर्ड आपके फ़ोन नंबर या ईमेल में मिल जाएगा। तो यहाँ पर ई साइन पे क्लिक करते हैं एंड उसके बाद सबसे ऊपर आई हेयर बाय यहाँ पर टिक लगाना एंड उसके बाद आधार कार्ड का जो 12 डिजिट नंबर है यहाँ पर डालना एंड उसके बाद सेंड ओटीपी। तो आधार कार्ड से जो फोन नंबर है उसमें ओटीपी आएगा तो ओटीपी यहाँ पर डालना एंड उसके बाद सबमिट कर देना। तो जैसे ही आप सबमिट कर दो तो टाइम यहाँ पर लेता है क्योंकि ये वेरिफिकेशन में रहता है। उसके बाद यहाँ पर एप्लीकेशन स्टेटस फॉर्म नंबर एंड ऐसा आपका सामने आ जाएगा ये वाला इंटरफेस। तब तक आपको यहाँ पर वेट करना, जब ये ऐसा आ जाएगा आपके सामने तो ये एप्लीकेशन नंबर जो है उसको स्क्रीनशॉट लेकर मेरे व्हाट्सएप नंबर पे दे देना। सो ऑलराइट गाइस, मैंने यहाँ पर आपको दिखा दिया अकाउंट ओपनिंग का पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप। तो जैसे आप यहाँ से अकाउंट ओपन कर लोगे आपके आईडी पासवर्ड मिल जाएगा आपके ईमेल में या फ़ोन नंबर में। तो उसके बाद आप लॉगिन करोगे एंड उसके बाद यहाँ पर रेफ़र करना बिल्कुल ईजी है। जैसे कि अगर आपने मेरा रिसेंट वीडियो देखा होगा जो एक्सप्रेस एप्लीकेशन है उसकी तरह बिल्कुल है। तो यहाँ पर आप गूगल में सर्च कर सकते हो शेयर खान रेफर एंड अर्न, तो आपको एक लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर जाके आपको अपना फ़ोन नंबर डालना, उसके बाद आपका यहाँ पर आपका यूनिक लिंक मिल जाएगा। ये वाला लिंक आप व्हाट्सएप में शेयर कर सकते हो, कहीं पे भी आप शेयर करके रेफर कर सकते हो। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर कैसे ट्रेड करना। ट्रेड बिल्कुल सिंपल है, यहाँ पर 10 रुपये ऐड करना, 15 रुपये ऐड करना या 20 रुपये ऐड करना और उसके बाद येस बैंक का एक शेयर ले लेना एंड उसके बाद वो उसको यहाँ पर सेल भी कर सकते हो। सो एनीवे गाइस, शेयर खान एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना, स्क्रीनशॉट आप यहाँ पर देख सकते हो। उसके बाद लॉगिन करके टॉप लेफ्ट कॉर्नर में ट्रांसफर फंड्स उसमें आपको क्लिक करना एंड उसके बाद ऐड फंड उसमें क्लिक करना एंड यहाँ पर सबसे ऊपर आपको 15 या 20 आप ऐड कर सकते हो एंड नीचे आपको फ़ोनपे का जो UPI ID है उसको डालना। जो फ़ोनपे आपका बैंक अकाउंट के साथ लिंक्ड है यहाँ पर शेयर खान एप्लीकेशन में जो अकाउंट दिया है, जैसे अगर आपका पेटीएम पेमेंट्स बैंक है पेटीएम पेमेंट्स बैंक फ़ोनपे में ऐड होना चाहिए तो वो वाला UPI ID यहाँ पर डालना। फ़ोनपे का माई UPI सेक्शन में जाओगे तो यहाँ पर आपका UPI ID दिख जाएगा, कॉपी पेस्ट करके यहाँ पर डालोगे एंड उसके बाद ट्रांसफर फंड करोगे तो फ़ोनपे में रिक्वेस्ट जाएगा, यहाँ पर एक्सेप्ट करोगे पे करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 15 रुपीज़ या 20 रुपीज़ जो भी आप ऐड करोगे। तो गाइज अभी यहाँ पर ट्रेड करने के लिए नीचे आपको क्लिक करना, रिसर्च है उसमें क्लिक करना एंड उसके बाद यहाँ पर टाइप करना येस बैंक। जैसे आप येस बैंक सर्च करोगे और यहाँ पर इक्विटी NSE सिलेक्ट करना तो येस बैंक का आपको शेयर दिख जाएगा, तो उसको ओपन कर लेना बाई पे क्लिक करके एंड उसके बाद यहाँ पर क्वान्टिटी 1 रखना एंड जो नॉर्मल है वही नॉर्मल रखना एंड प्राइस यहाँ पर मार्केट इक्वल टू 0 रखना। 0 रखोगे तो मार्केट में रहेगा, यहाँ पर अभी लिमिट में है तो लिमिट में रखोगे तो नहीं होगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, प्राइस में 0 टाइप करना एंड उसके बाद आप नीचे प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करना एंड देन आपको कंफर्म करना फिर से नीचे क्लिक करके और यहाँ पर आप देख सकते हो ऑर्डर बुक में क्लिक करके आपका ऑर्डर स्टेटस यहाँ पर सक्सेसफुली हो चुका है और ये फुल्ली एग्जीक्यूटेड। यहाँ पर आप देख सकते हो आपका ट्रेड कंप्लीट हो चुका है। ऑलराइट गाइस, मैंने यहाँ पर सारा चीज़ें डिटेल में दिखा दिया आप लोगों को, कैसे साइनअप करना, कैसे ट्रेड करना एंड बाकी सारा चीज़ें डिस्कस कर लिया। तो आई होप आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ जल्दी से लाइक करना और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ ये वीडियो आपको कैसा लगा एंड अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करना ताकि उनको भी अपॉर्चुनिटीज़ मिले रेफर एंड अर्न करने का। मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, टेक केयर एंड बाय बाय, सी यू, हैव अ गुड डे।